केबे हेबो कार्यक्षम, केबे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय रूपरे देखिबे छात्र छात्री, केबे पूरण हेबो आईन छात्र छात्री को स्वप्न। वर्तमान एभली ढंगरे प्रश्न करुछंती ऐतिहासिक शहर कटक रे थिबा मधुसूदन आईन महाविद्यालय छात्र छात्री। 1943 मसीहारे उत्कल गौरव मधुसूदन दासंक नामरे नामित एही सर्वपुरातन महाविद्यालय जी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अनेक चीफ जस्टिस ठारु आरंभ करी विचारपति और आईनजीवी प्रदान करी, आज से ही महाविद्यालय अवहेलित अवस्था रे पड़ी छे। खाली एतिके नुहे, खोद आईन मंत्री प्रताप जेनांक जिलार रहिथिबा एही सर्वपुरातन आईन महाविद्यालय आज निज अस्तित्व बंचेबा पई संघर्ष करुछे। उच्चशिक्षा विभाग दूरदृष्टि अभाव जो एपरी अवस्था होइछि बोली कहिछन्ते छात्र संगठन। तुरंत एहाकु कार्यक्षम करानगले आगामी समय रे विक्षोभ प्रदर्शन कराजिवो बोली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र कांग्रेस कहिथिबा बेले एहार जवाब रखिछि छात्र बीजेडी। संपूर्ण रूपे सरकार विफलता एवं सरकार जो सब घोषणा करुच्ची छात्र छात्री मानी जहाँ घोषणा करुच्ची निर्वाचन समय निर्वाचन सरीगला सरकार ये सब सुविधा ये सब घोषणा को भूली जाऊँ। 2018 मसीहार जो घोषणा करें केतेदिन लगे सरकार आमको गोटे निर्दिष्ट गोटे तारीख घोषणा करूँ कुलपति निजुक्ति कंट्रोलर निजुक्ति के जी सरकार सठिक टाइम भितर न करपारती छात्र कांग्रेस राजरास्ता को ओह्ल। मधुसूदन आईन महाविद्यालय ओडिशार सर्वपुरातन आईन महाविद्यालय, केवल ओडिशा नुहे बर भारत बर्षर बहु सुप्रतिष्ठित जस्टिस राजनेता आईनजीवी मधुसूदन आईन महाविद्यालय ही दान। किंतु दुख एवं परितापर विषय जे जो महाविद्यालय एत सब सुनामधन्य व्यक्तित्व को सृष्टि कला से ही महाविद्यालय आज विश्वविद्यालय नामित हो केवल कागजपत्र सीमित हो रही जाइए। एमएस लॉ कॉलेज कैंपसटा जोटा प्रथम एक्जिस्ट बर्तमान करुच्ची बहुत कम जगह अच्छी यूनिवर्सिटी पाए आहुरी टिके जगार आवश्यकता रहुची। आमे जहाँ अध्यक्ष सहित डिस्कशन करूली से जना पड़ा जे से जगह पर कटक्र तहसिलदार ता सहित आथागढ़ तहसिलदार ता सहित जगतपुर तहसिलदार सहित कथबार्ता होती जगह फागा मिलगला निश्चित रूपे सरकार तरफ तर डिले पैंडेमिक समय देखा जाए कम बोध डिले कितु जगह जब मिल जाए शीघ्र घोषणा रे सीमित हो रही जाइथिबा ए महाविद्यालय को विश्वविद्यालय रूप से केबे देखिबे आईन छात्र छात्री ताहा एबे भी संदेह घेरे रे। 2018 मसीह रे बीजेडी रो आईन सामुख्य बैठक रे एहाकु विश्वविद्यालय मान्यता देबा पई मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। ठीक 2 वर्ष परे अर्थात मार्च मास रे एहाकु विश्वविद्यालय रो मान्यता मिलिला। केवल एहाकु नुहे बलांगीर रो राजेन्द्र महाविद्यालय और कलाहांडी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता प्रदान करागला। आउ एही तीनोटी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय रूप से कार्यक्षम करने प्रथमे जून मास रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइला। हेले कोरोना महामारी जोगु तारीख स्थानांतर करा जे सेप्टेम्बर मास को धार्य करागला। तेबे बलांगीर राजेन्द्र महाविद्यालय और कलाहांडी महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिणत हो कार्यक्षम होता बेले मधुसूदन आईन महाविद्यालय भाग्य एबे भी फाइल भितर पड़ी। खाली एतिक नुहे, वर्तमान पर्यंत कुलपति कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों को मध्य नियुक्ति करा जाई नहीं। से सेप्टेम्बर 1 रे आम सांगे भी डिक्लेयर कराइला कलाहांडी विश्वविद्यालय बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय से दिन या भर फंक्शन सर आरंभ हो सारे कार्यक्रम हो सारे कितु आम कहीं आईन विश्वविद्यालय रही जाइए सरकार जहाँ निष्पत्ति ना से अनुसार हम यही के जस्टिस पास आउट होती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी थे से भी यही लॉ कॉलेज पास आउट किंतु कौन पाई आम बुझी पाऊन आम नवीन पट्टनायक जी सीएम अच्छा कौन पाई ध्यान दौना ये आम हाईकोर्ट अच्छी सब अच्छी किंतु आम लॉ कॉलेज प्रति एत किसी अन्याय कौन पाई आम जापन। मुख्यमंत्री घोषणा पानीर गार ना पड़ू उच्चशिक्षा विभाग नजर ना पड़ू आईन विभाग नजर जहाँफल आईन छात्र छात्री और शिक्षकों भितर बढ़ुची असंतोष। कटक कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।